कैसी हो रानिया? जिसके शौहर को गोली लगी हो वो कैसी हो सकती है? मैं रायान को ही देखने आ रही थी, अब कैसे हैं वो? 24 घंटे उसके सर पे सवार रहोगी तो खाक बेहतर होगा वो। मैं सिर्फ आयादत के लिए आ रही थी रानिया, वो इसकी जरूरत नहीं, उसका ख्याल रखने के लिए मैं अकेली काफी। वैसे भी वो सो रहा है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती मैं। ठीक कह रही हूँ मैम, कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ नहीं आती या फिर तुम वाकई ढीठ हो? तुम ठीक कह रही हो, शायद मैं वाकई बहुत ढीठ हूं। परेशान मत हो, आइंदा मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। एहसान होगा तुम्हारा, बहुत बड़ा एहसान। इनफैक्ट मैं और रयान तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे हमारी जान छोड़ने पर। उस बेचारे ने हमदर्दी क्या कर दी, तुम तो गले ही पड़ गई। I'm sorry. आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुमने क्यों तकलीफ की रहमत, तुम्हारी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है। साहब जी मैं नसीबा सड़ी, मुझे क्या होना है। बस साहब जी अब तो जिंदगी के दिन पूरे करने हैं। चाय छोड़ दो मैं पी लूंगा। बटे साहब जी आप ना रहा से मेरे से, उमर ने भी तो अच्छा नहीं किया ना। मैं तुम्हें उमर के किए की सजा नहीं देना चाहता, इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो। साहब जी मैं अपने पुत्र का खून आपको माफ करती हूँ, आप जो भी उसको सजा देंगे ना कबूल होगी मुझे। मैं उमर के खून से हाथ रखने का शौक नहीं रखता, बस से कहो कि मेरी पोती को आजाद कर दे, मेरा उसका ताल्लुक खत्म। साहब जी बड़ा ही बदनसीब निकला वो तो, जिस थाली में उसने खाया उसे भी छेद कर दिया। उसका बाप तो ऐसा नहीं था जी, पता नहीं किस में चला गया वो। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है रहमत, ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। बड़ी मेहरबानी जी। बस रोशनी से दूर रहने की कोशिश किया करो, वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब। जैसे आपका हुक्म। मेरे खुदाया ये तूने क्या किया, रायान तेरे भाइयों जैसा था, तुझे भाइयों जैसा मान देता था, तूने गोली मार दी उसे। जान बचाने के लिए करना बहुत जरूरी था। अबे क्या जरूरी था, बेवकूफियों पर बेवकूफियां कर रहा है तू, आखिर क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तेरा, तू क्यों इन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? बलि का बकरा बनाना चाहते थे मुझे, अपने एहसानात का बदला चुकाने की खातिर अपनी पोती के साथ बांध दिया जो कि ऑलरेडी रायान से प्यार करती थी। मैं चाहकर भी ये रिश्ता नहीं निभा सकता था, लेकिन ये अनाम वाले लोगों को कहां समझ आनी थी ये बात। तो फिर रोशनी को अगवा क्यों किया था? गुस्से में था, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है उससे। और अब क्या करना चाहते हो? बस पैसा चाहिए ताकि यहां से जान छुड़ा के निकल सकूं। अबे अपने दिमाग से भूसा निकाल, तूने गोली मारी है रायान को, रोशनी को अगवा किया है, मेरी तरफ देख। बुलाना मजबूरी थी। तू जानता है तूने गलत किया है और इस बात की ना कोई माफी नहीं है। माफी चाहिए भी नहीं मुझे, बस पैसे चाहिए, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए। तो फिर दुआ कर
और सजदे में गिर जा कि रायान की जिंदगी बच जाए और तुझ पर कोई केस ना बने, फिर ही कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। कुछ नहीं होगा उसे, गोली बाजू पे लगी है, अब तक तो बच भी गया होगा। और जहां तक केस की बात है तो वो मैं संभाल लूंगा, बस बेल तुम्हें करानी होगी मेरी। मैं कैसे करा सकता हूँ यार, और अगर ये बात बाहर निकल गई तो? कुछ नहीं होगा, तू फिक्र ना कर, बस बेल तूने करानी है और इतनी मदद तुझे मेरी करनी होगी। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ वकील से, मगर मैं तुझे अपने घर बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकता। क्यों? क्यों का क्या मतलब है यार, वो इससे पहले भी मेरे घर पर आए थे तेरा पूछने के लिए, और दोबारा आ गए तो मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता तेरी वजह से। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, बस याद रखें कि बेल तुझे करानी होगी मेरी। मैं पूरी कोशिश करूंगा।